नमस्कार। आज हमारे बीच में दिल्ली से चलकर, हालांकि वो बलिया के रहने वाले हैं, लेकिन हमारे बीच में है अजीत दुबे जी। हम बात करते हैं भोजपुरी के लिए। भोजपुरी 8वीं सूची में शामिल हो, इसको लेकर एक बड़ा जंग चल रहा है। हिंदुस्तान लेवल की बात करें, विश्व लेवल की बात करें, भोजपुरी की जिस तरीके से मान्यता को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, लेकिन संघर्ष बड़ा लंबा रहा है, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई। आइए बात करते हैं अजीत दुबे जी से कि हिंदी को 8वीं सूची में शामिल करने के लिए क्या प्रयास है। भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए पिछले 2 दशकों से बहुत बड़ा प्रयास चल रहा है। भोजपुरी आज हिंदी के बाद भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं। देश विदेश में 20 करोड़ लोगों की भाषा, 16 देशों में बोले जाने वाली भाषा। प्रोफेसर देवी वरिष्ठ भाषाविद के अनुसार दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली भाषा भोजपुरी को जो सम्मान मिलना चाहिए उससे वो वंचित है। अभी आपने कहा कि 1950 की आपने बात की कि जब भारत का संविधान बना, भाषाओं को सम्मान देने की बात आई, उसमें 22 ऐसे भाषाएं जिनको मान्यता मिली, लेकिन भोजपुरी छूट गई। संविधान जब बना 1950 में तो 14 भाषाओं को मान्यता मिली, कालांतर में 8 भाषाओं को उसमें जोड़ा गया। आज कुल 22 भाषाएं संविधान की मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। भोजपुरी के लिए शायद उसका दुर्भाग्य था कि 1950 के बाद 50 साल तक किसी भी भोजपुरी सांसद ने भोजपुरी को मान्यता के लिए कोई प्राइवेट मेंबर बिल पेश नहीं किया। 2000 तक जो बिल पेश हुए वो सब गैर भोजपुरी भाषियों सांसद के थे। श्री भुगेंदर झा 1969, श्री सत्यगोपाल मिश्र, इन लोगों ने जो कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद थे, लगातार 8 से 10 प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए। 50 साल के बाद सन 2000 में पहला बिल श्री प्रभुनाथ पांडे ने पेश किया। हम लोग कभी इस विषय में पहले सीरियस ही नहीं रहे। अभी क्या है, मेन विषय है कि जो भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में होंगी, उन्हीं भाषाओं को सर्टेन सुविधाएं मिलेंगी, नहीं तो वो सुविधाओं से वो भाषा वंचित रहेगी। उदाहरण के लिए, मैं अभी भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय के अंडर साहित्य अकेडमी में दिल्ली राज्य का प्रतिनिधि हूँ 5 साल के लिए। साहित्य अकेडमी भाषा और संस्कृति का भारत का सबसे बड़ा संस्थान है। हर साल साहित्य अकेडमी 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं और राजस्थानी और अंग्रेजी 24 भाषाओं में 4-4 पुरस्कार डिक्लेयर करती है। बाल पुरस्कार, युवा पुरस्कार, ट्रांसलेशन पुरस्कार और मेन पुरस्कार 24x4 96 पुरस्कार मिलते हैं। लेकिन चूंकि भोजपुरी मान्यता प्राप्त भाषा नहीं है, हम लोग उससे वंचित हैं। हम लोग उसकी एलिजिबिलिटी जोन में ही नहीं है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन 15 लाख रुपये मिलता है हर साल विभिन्न भाषाओं में, लेकिन हम लोग उसकी एलिजिबिलिटी जोन में ही नहीं है। इस तरह से 23 सुविधाएं हैं जिससे हम वंचित हैं। भोजपुरी की किसी पत्रिका को भारत सरकार का अनुदान नहीं मिलेगा, तो जब उस भाषा को अनुदान नहीं मिलेगा, उस भाषा को सरकारी पैटर्नेज नहीं मिलेगा, तो वो दिन पर दिन वो भाषा कमज़ोर होती जाएगी। अब विषय क्या है, अगर भोजपुरी 20 करोड़ लोग बोलते हैं, लेकिन सरकार क्या कह रही है, तो 2011 के आंकड़े जनसंख्या के 2018 में आए, उसमें वो दिखा रही है 5 करोड़ प्लस भोजपुरी भाषियों की संख्या। चलिए हम 5 करोड़ भी मान लेते हैं, लेकिन 2011 के सेंसस में ऐसी भाषाएं जो 15 लाख 16 लाख 24 लाख वाली भाषाएं हैं, और जो 8 भाषाएं जो मैंने कहा जो बाद में शामिल हुई हैं, उन 8ों भाषाओं को बोलने वालों की संख्या एज़ पर भारत सरकार के आंकड़े वो 3 करोड़ 47 लाख है कुल मिला के, जो भोजपुरी से काफ़ी कम है। अब विषय ये है कि आज तक संसद के फ्लोर पर जब विभिन्न सरकारों ने 5 बार इसका आश्वासन दिया,
जब एक तमिल भाषी गृह मंत्री चिदम्बरम ने कहा हिंदी में कि हम रउड़ा सबके भावना के समझौता नहीं, अगला सत्र में बिल पेश हुई, उसके बाद भी सरकार की रिपीटेड उदासीनता एक दुखद विषय है। और अब जब माननीय मोदी जी बनारस के सांसद, योगी जी गोरखपुर के सांसद, जब पूरा मेरिट हमारे साथ है और मोदी है तो मुमकिन है। अभी 10 जून को हिंदी को यूनाइटेड नेशंस को बनने के 77 साल के बाद हिंदी को कामकाज की भाषा में यूएन ने स्वीकृति दी है। अभी आप देख रहे हैं 32 साल के बाद भारत में शिक्षा नीति आई है। अभी आप देख रहे हैं परसों श्रीनगर में 32 साल के बाद सिनेमा हॉल खुले। ये सब मोदी जी का कमाल है। तो हमारा विश्वास है कि मोदी जी और उनकी सरकार इस भोजपुरी के प्रति जो अन्याय हुआ है इस पर ध्यान देगी और इसको मान्यता मिलना चाहिए। सर, सवाल ये है कि देश की बात करें तो ज़्यादातर भोजपुरी बिहार में ज़्यादा प्रसिद्ध मानी जाती है। बिहार से सटा अपना बलिया है, चूँकि बलिया के आप हैं, बार बार ये आता है कि भोजपुरी में अश्लीलता का ज़्यादा प्रयोग आज के नौजवान कलाकार कर रहे हैं, जिसको लेकर भोजपुरी भाषा के आप सम्मान की बात करें, लेकिन जो टिप्पणी आ रही है, जो लोगों का आ रहा है कि भोजपुरी में गिरावट आई है, क्या ये सही मैं कह रहा हूँ या गलत? देखिए, दो बातें, एक है मान्यता, एक है अश्लीलता। मैं अभी मान्यता की बात कर रहा हूँ। क्या शारदा सिन्हा अश्लील हैं? क्या मालिनी अवस्थी अश्लील हैं? क्या भरत शर्मा अश्लील हैं? क्या पंजाबी से अश्लील कोई भाषा और गायन हो सकता है? ये सब हमको कमज़ोर करने की साजिश है। मेरा ये कहना है कि पॉजिटिव चीज़ों को देखिए। जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय को ठीक कीजिए। जो अश्लीलता की बात है उसको भी दबाव बनाया जाएगा, उसको ख़त्म किया जाएगा, लेकिन दोनों चीज़ें एक साथ नहीं जुड़ सकती हैं। और ये कह के कि भोजपुरी में अश्लीलता है, किस भाषा में अश्लीलता नहीं है? तमिल में नहीं है, तेलुगु में नहीं है। अगर आप देखेंगे भारत की पोर्न फिल्म में सबसे अधिक कहाँ बन रही है। तो इसलिए अश्लीलता का इस विषय में जोड़ना बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं है। अगर भोजपुरी मेरिट में 8 शेड्यूल की हकदार है तो उसका सम्मान मिलना चाहिए। आपने माननीय अवस्थी जी का नाम लिया, मनोज तिवारी का लिया, तो सही है कि भोजपुरी को सम्मान दिलाने में इनकी एक अहम भूमिका रही है। फिर आप संसद पे आ गए कि भोजपुरी के सांसद, आप बात करें रवि किशन जी का भी भोजपुरी में इस्तेमाल करते हैं, मनोज तिवारी भी हैं, अब तो दिनेश लाल यादव भी लोकसभा में पहुंच चुके हैं, तो क्या लग रहा है कि अब भोजपुरी को सम्मान मिल पाएगा? देखिए, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। भारत की 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं, किसी भी भाषा के फिल्मी त्रिदेव आज तक लोकसभा में नहीं पहुंचे हैं एक साथ। ये भोजपुरी के लिए गौरव की बात है कि रवि किशन, मनोज तिवारी और निरहुआ त्रिदेव भोजपुरी के आज लोकसभा में हैं। हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे हिंदी फिल्मों के त्रिदेव, राज कपूर, देवानंद, दिलीप कुमार, लेकिन एक भी तो लोकसभा में नहीं गया। ये भोजपुरी की ताकत है जिन्होंने इन तीनों को लोकसभा का सम्मान दिया। तो जब भोजपुरी भाषियों ने अपने फिल्मों के भोजपुरी के अगुआ को सम्मान देकर लोकसभा में भेजा, ये उनका नैतिक दायित्व तो है। लेकिन मैं साथ में जोड़ना चाहता हूँ, निरहुआ जी ने जो अपना पहला संबोधन लोकसभा में किया वो भोजपुरी के मान्यता का किया, और उस संबोधन के अंत में उन्होंने कहा जय भारत, जय भोजपुरी। रवि किशन ने पहला जो प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया भोजपुरी के मान्यता का पेश किया। तो मेरा ये मानना है कि ये भी कलाकार समझ रहे हैं कि ये सब उस भाषा के लोगों ने उनको सम्मान दिलाया है, उनका नैतिक दायित्व तो है। लेकिन मैं साथ साथ कहना चाहूँगा, तो मेरा 25 साल का अनुभव है, ये भोजपुरी को मान्यता क्यों नहीं मिली और कैसे मिलेगी, विषय ये है। इस नहीं मिली इसलिए कि कभी भी जोरदार और एक साथ प्रयास नहीं हुए, कभी भी धारदार प्रयास नहीं हुए, और कभी भी सरकार की इच्छा शक्ति नहीं बन पाई। जिस दिन सरकार की इच्छा शक्ति बन जाएगी मान्यता मिल जाएगी। एक सवाल और है सर दुबे जी, सवाल ये है कि अब तो 72 साल हो गए संविधान की, आपने बात किया कि 1950 में संविधान बना और 72 साल हो गए, तो 72 साल में जो भोजपुरी को आप 8वीं अनुसूची में शामिल करने की बात कर रहे हैं, लेकिन इतना लंबा चला गया 72 साल, फिर इधर आपने, चूंकि अब मोदी सरकार देश में है, 3-3 सांसद पार्लियामेंट में है,
तो क्या लग रहा है कि 72 साल में जिस तरीके से भोजपुरी को सम्मान दिलाने के लिए आप संघर्ष करते रहे, तो क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में भोजपुरी को जो आप सोच रहे हैं वो शामिल हो सकता है नहीं? मेरा ये मानना है कि आप एक मेरिट वाले इशू को बहुत दिन तक दबा नहीं सकते। अगर आपकी बात सही क्वार्टर्स पर जाएगी, जैसा मैंने आपसे कहा, अगर भारत के आज़ाद 50 के बाद 50 साल तक किसी सांसद भोजपुरिया ने इस विषय को प्राइवेट मेंबर बिल उठाया ही नहीं, हम लोग नॉन सीरियस थे। अब ना हमको समझ में आया है कि हम लोग 23 सुविधाओं से वंचित हैं, इसलिए हमको मान्यता मिलनी चाहिए। और जब हमने इस बात को उठाया है, अब मेरा ये मानना है कि अगर ये विषय दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास के अलावा जब भोजपुरी के हृदय क्षेत्र से उठेगा, जब बलिया, छपरा, बक्सर, आरा, सिवान से उठेगा, तो इसमें एक जन जागरण में मजबूती आएगी और सरकार भी किसी भी सही बात और जन आंदोलन के बारे में समझती है और उसको अपनाती है। तो मेरा तो मानना है कि आज नहीं तो कल सरकार इस बात को मानेगी ज़रूर। चलिए ठीक है, भोजपुरी को मान्यता मिल जाए तो उससे फायदा क्या होगा फिर? कहा आपको कि 23 सुविधाएं हैं जिनसे हम वंचित हैं। पहला कि भोजपुरी मान्यता प्राप्त भाषाओं को ही साहित्य एकेडमी रिकॉग्नाइज करती है, तो साहित्यकारों को, भोजपुरी साहित्यकारों को हर साल साहित्य एकेडमी के सम्मान मिलेंगे, के बिरला फाउंडेशन के सम्मान मिलेंगे, भोजपुरी की पत्रिकाओं को, अखबारों को सरकारी अनुदान मिलेगा। भारतीय संघ के समस्त कार्यपालिका और न्यायपालिका की कार्रवाई क्षेत्रीय भाषाओं में होगी, जो 8 शेड्यूल में है। संविधान के अनुच्छेद 344-351 के अनुसार 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं के विकास और प्रचार का दायित्व केंद्र सरकार का होगा। इसके लिए सरकार जो भी दिशा निर्देश होगी उसका मानना राज्य सरकारों के लिए बाध्य होगा, जरूरी होगा। भारतीय संसद राज्य विधानसभा के माननीय सदस्य मान्यता प्राप्त भाषा में शपथ ले सकते हैं। कितनी दुखद बात है कि राजीव प्रताप रूड़ी जब खड़े हुए भोजपुरी में शपथ लेने के लिए, मनोज तिवारी खड़े हुए, उनको मना कर दिया गया कि आप भोजपुरी में शपथ नहीं ले सकते हैं, आप डोगरी में, बोडो में, कोंकणी में शपथ लेंगे, जिसको बोलने वाले 30 लाख भी नहीं है, और 20 करोड़ की भाषा को शपथ आप अलाउ नहीं करेंगे, आप मान्यता प्राप्त भाषा नहीं है, ये क्या है? ये भाषा का अपमान है। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में मान्यता प्राप्त भाषाओं में उत्तर दिया जा सकता है। क्या हुआ मैथिली का? 2004 में जब मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली 8 शेड्यूल में आई, हजारों बच्चे आज मैथिली में UPSC दे रहे हैं, और सिर्फ मैथिल भाषी ही नहीं, हरियाणा के बच्चे भी मैथिली में दे रहे हैं। इससे भाषा का विकास होगा, भाषा का सम्मान बढ़ाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग में आप अपनी मान्यता प्राप्त भाषा में दे सकते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी आवेदन और साक्ष्य इसमें ले सकता है। मान लीजिए आज एक भोजपुरी क्षेत्र की एक गरीब महिला, आदिवासी महिला, भोजपुरी क्षेत्र की महिला गरीब है, उसको हिंदी नहीं आती है, उसकी मातृभाषा भोजपुरी है, वो भोजपुरी में कंफर्टेबल है अपना एविडेंस देने के लिए, आप कैसे वंचित कर देंगे? तो अगर भोजपुरी को मान्यता प्राप्त भाषा का दर्जा मिलेगा तो अपना साक्ष्य, अपना निवेदन आप भोजपुरी में दे सकते हैं। सरकार द्वारा सारे प्रकाशन व्यवसाय, सिने उद्योग, रेडियो प्रसारण, इसमें अनुदान मिलेगा। जैसे मैंने आपको कहा, राजभाषा का दर्जा जिस भाषाओं को होगा उनका वार्षिक अनुदान सरकार की तरफ से मिलता है। इस तरह से 23 सुविधाएं हैं जिससे भोजपुरी आज वंचित है। लेकिन मेरा ये कहना है कि भोजपुरी सबसे बड़ी हिंदी की सहभाषा है। भोजपुरी आज दुनिया की, विश्व में तो सबसे बड़ी 25 भाषाएं हैं उनमें से एक है। हम लोग 10-20 लाख वाले नहीं हैं, तो इतना बड़ा अन्याय हमारे साथ क्यों? मेरा कहना तो ये है, तो उस अन्याय को जल्द से जल्द समाप्त करना चाहिए। और फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मोदी जी, पद्मश्री पुरस्कारों में क्या हुआ है पिछले 5 साल में? एक गरीब आदमी, एक सुदूर जिले का आदमी, जिसको कोई सोच भी नहीं सकता है, पद्म पुरस्कारों में उन लोगों को सम्मान मिला है। ये मोदी सरकार की दूरदर्शिता है। तो मेरा केस तो मेरिट का केस है। आज तक मुझे कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने संसद में हमारे सांसदों के
इस निवेदन पर यह कहा हो कि भोजपुरी को नहीं मिलेगी मान्यता। हर आदमी कहता है मान्यता मिलेगी, कब मिलेगी? विषय तो ये है, कब मिलेगी? जब ये विमर्श का विषय बनेगा, और जब विमर्श का विषय बनेगा तो पॉलिटिकल सिस्टम में सरकार अफा नफा नुकसान देखती है। 2004 के चुनाव के पहले श्री अटल बिहारी वाजपेयी तत्कालीन प्रधानमंत्री को समझाया गया कि अगर मैथिली को मान्यता मिलेगी तो आपको फ़ायदा होगा। मैथिली को मान्यता मिल गई, साथ में संथाली को मिल गई। तो मेरा ये कहना है कि अगर 2023 के संसदीय चुनाव में अगर सरकार को यह आभास होता है कि इसको करने से हमें कुछ पॉलिटिकल फ़ायदा होगा, तो शायद वो सही समय रहेगा कि भोजपुरी को मान्यता मिले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं हैं कि भोजपुरी को मान्यता मिले, ताकि भोजपुरी की भाषा जो है चारों तरफ बोली जाए। जिस तरीके से आपसे बात हुआ अजीत दुबे जी से, जिस तरीके से प्रयासरत हैं और सही दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं, सरकार से खासतौर से मोदी सरकार से इनको पूरा भरोसा है कि भोजपुरी को आज नहीं तो कल मान्यता मिलेगी। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक क्लित नहीं, देखते रहिए बलिया आजकल। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।